दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट भाग्यश्री। इनबीसीएन न्यूज के बॉलीवुड गॉसिप में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। अपकमिंग फिल्म थप्पड़ की स्पेशल स्क्रीनिंग मीडिया के लिए रखी गई, जहां फिल्म के स्टार कास्ट हुए मौजूद। एक्ट्रेस तापसी पन्नू की फिल्म थप्पड़ अब कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है और इसी मौके पर आज मुंबई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग मीडिया के लिए रखी गई। स्क्रीनिंग को लेकर सभी कास्ट काफी एक्साइटेड नजर आए। स्क्रीनिंग में तापसी पन्नू, दिया मिर्जा, अनुभव सिन्हा, तन्वी आजमी, अनुराग कश्यप और पवेल गुलाटी नजर आए। सभी ने फिल्म को लेकर मीडिया से बातें की। I've been saying this all through our promotion, तो मैं सपने में बोल सकती हूँ। Three out of five women go through it. Recently got to know 80% of women go through it. Reported, unreported मिला के, धक्के से लेके, थप्पड़ से लेके, full on मारपीट तक। तो अगर मैंने अपने घर में नहीं तो मेरे दोस्त के साथ हो रहा है या मेरे पड़ोसी के साथ तो हो ही रहा है। तो मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा इससे इफेक्ट होने के लिए या इन्फ्लुएंस होने के लिए। सो इट वॉज एज easily visible around as possible. So I felt like हम address तो करते हैं काफ़ी फिल्मों में ये वाली चीज़, बड़ी सब लेयर में होती है, बट जो सामने हेड ऑन कोई डील नहीं कर रहा था। सो वेन सर टोल्ड मी दिस आइडिया, आई हैड टू जम्प ऑन इट एंड आई एम वेरी गुड एट, मैं रुमाल की जगह खुद ही बैठ जाती हूँ पूरे आइडिया पर। सो आई डिड दैट कि मैं ही करूँगी, क्योंकि आई हैड दिस थिंग इन माय हेड। कभी जो बाकी पिक्चर आती है जो मेरी मुद्दों वाली होती है, मैंने कभी सोची नहीं थी मेरे पास आएंगी, बट हाँ ये चीज़ मेरे दिमाग में काफ़ी सालों से थी। जिस दिन इतनी कैपेबिलिटी होगी कि एज एन एक्टर आई कैन लीड अ फिल्म, इट वुड हैव बीन ऑन दिस इशू एंड इट सो हैपन्ड। लकीली इट वॉज हिम हू केम अप विद द आइडिया एंड इट इज़ ही एज अ राइटर, बिकॉज आई वर्क विद हिम बिफोर इन मुल्क, आई नो द वे ही राइट्स, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज डायलॉग, सो आई न्यू दैट दिस इज इन परफेक्ट हैंड्स। सो इट कुडंट हैव बीन बेटर कि ये मुद्दा एंड मेरा और ये मुद्दा दोनों हम इनके हाथ में थे, कुडंट हैव बीन बेटर। सो या आई हैड टू डू इट, देयर वाज नो टू वे, आई वुड हैव फॉट विद हिम इफ ही वुड हैव डन इट विद समवन एल्स। हॉटस्टार स्पेशल पर रिलीज होने वाली सीरीज स्पेशल ओप्स का ट्रेलर हुआ लॉन्च। स्पेशल 26, अ वेनसडे, बेबी जैसी फिल्मों के बाद डायरेक्टर नीरज पांडे अब इसी तरह की स्टोरी के साथ आ रहे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है स्पेशल ओप्स। एक बड़े एंसेबल कास्ट के साथ 2001 के पार्लियामेंट्री हमले से लेकर 2019 तक हुए सभी अटैक्स और उसके कनेक्शन पर बनी है ये सीरीज, जिसका ट्रेलर आज लॉन्च किया गया। इस ट्रेलर लॉन्च के मौके पर नीरज ने बताया कि कैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी सीरीज बनाना मुमकिन हो पाया है। साथ ही में फिल्म के साथ जुड़ी कंट्रोवर्सी को लेकर नीरज ने कहा कि अब उन्हें समझ हो गया है कि कहां और कौन सी बात से कंट्रोवर्सी होती है। इसी के साथ सभी कास्ट ने भी अपने काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया, जहां सना बेहद इमोशनल नजर आई और अपने आप को रोने से रोक नहीं पाई। इसी के साथ सभी ने मीडिया से बात की और फिल्म के बारे में बताया, जहां मेहर विज, जो लाज धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म भूत में वंदना का किरदार निभाती नजर आई थी, वह फिल्म से थोड़ी अपसेट और फिल्म के बारे में पूछे जाने पर उनसे फिल्म के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने नो कमेंट्स ऑन दैट फिल्म कहकर कहा कि मैं वक्त आने पर उस फिल्म के बारे में बात करूंगी, लेकिन उनकी बातों से ये लगा कि वो धर्मा प्रोडक्शन से कुछ ज्यादा ही अपसेट है। विजन वाज वन लाइन एज गौरव सेड टू बिगिन विद, अब वन लाइन में कितना चेंज हुआ मेरे को पता नहीं क्योंकि वन लाइन में क्या चेंज कर सकते हो, बट या व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन स्पेशल ऑप्स, द एजेंडा वाज टू टेल अ 7.5-8 hour स्टोरी एंड ऑब्वियसली यू कैन फिट इट इन वन फिल्म। सो द बेसिक रीजन व्हाई वी वांटेड टू चेज दिस पर्टिकुलर आइडिया वाज बिकॉज इट वाज बिग, and big not only in terms of scale and scope, big in terms of its heart. So it speaks about a protagonist and his team on the chase for 19 years. That itself was a fantastic point to start everything. And what we wanted to do with Friday Storytellers and the first piece of content that came out of Friday Storytellers was to at least live up to the faith that our friends from Hotstar, Uday and Gaurav, they put in us. And on the 17th of March, we would like to live up to the faith that's been put in us by the audience, by and large. And to my fantastic cast and crew members who've literally, as Sheetal said, blood and sweat,
they were magnificent, and I just hope that they're all equally proud as us. एक्ट्रेस उर्वशी रोटेला बड़े ही खास अंदाज में अपना बर्थडे ऑर्फनेज में सेलिब्रेट करती आई नजर। हॉटनेस की रानी उर्वशी रोटेला ने अपना बर्थडे बहुत ही खास अंदाज में सेलिब्रेट किया, जहां पहले उन्होंने अपने इंस्टा पर खुद को विश किया, वहीं आज वो दिखी बांद्रा के एक ऑर्फनेज के पास। उनसे पूछने पर उन्होंने बताया कि किस तरह वो स्पेशल बच्चों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और उनके साथ टाइम स्पेंड करके उन्हें कितना मजा आया, ये भी उन्होंने बताया। जी, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है इस बार का बर्थडे, बिकॉज़ मैं यहाँ पे आश्रय फाउंडेशन जो बांद्रा में है, मैं यहाँ सभी किड्स से मिलने के लिए आई थी। तो जैसे कि मैं ओनर और फाउंडर हूँ अपनी खुद की फाउंडेशन की, उर्वशी रावटेला फाउंडेशन, तो हमने एकजुट होकर के मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। और जब मैं यहाँ पर आई, मैंने बहुत ज़्यादा उनके संग इंट्रैक्शन किया, मैंने उनसे कई तरह के सवाल पूछे कि वो क्या अपने लाइफ में बनना चाहते हैं, उनको कॉन्फिडेंस के बारे में बताया, जो वैल्यू ऑफ एजुकेशन है उसके बारे में बताया। तो मैं बहुत ही प्रभावित थी, क्योंकि सभी बच्चों के मन में एक उद्देश्य है। किसी ने कहा किसी को पुलिस बनना है, टीचर बनना है, डांस टीचर बनना है, कोई सोल्जर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, और उसमें से कई बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आई एम रियली हैप्पी जिस तरीके से उनकी जो परवरिश की जा रही है, तो मैं वही चेक करने के लिए आई थी। और अभी जब मैं उनको गुडीज़ और जो मैं उनके लिए प्रेजेंस लेकर के आई थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, तो मैंने एक और चीज़ का रियलाइजेशन किया कि उनके अंदर एक और जो होती है ना ग्रेटफुल होने की भावना, वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। मैं उनको कुछ प्रेजेंट दे रही थी तो वो मुझे इन रिटर्न कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा रहा उनके संग। कई उनको डांस करने का काफ़ी शौक है, तो उनके संग मेरे गानों में हमने डांसिंग किया और काफ़ी अच्छा था। बिकॉज आई फील कि एज अ ह्यूमन बीइंग ओवरऑल, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स माय बर्थडे, बट आई फील ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कितनी है, ये एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और बीइंग यू नो आइकन फॉर माय कंट्री एंड ऑल्सो एज अ मिस यूनिवर्स इंडिया एंड बीइंग द ब्रांड एम्बेसडर फॉर माय कंट्री, आई रियली ट्रूली फील कि वी आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स यू नो ऑल द सोशल कॉजेज, एंड ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और इससे ज़्यादा बेटर मौका नहीं होता कि मैं इससे ज़्यादा कुछ स्पेशल तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पाती हूँ। रेमो डिसूजा, मोनी रॉय, सनी सिंह और वरुण शर्मा ने शूट किया होली स्पेशल सॉन्ग। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इन दिनों ढेरों सारी सिंगल एल्बम्स रिलीज हो रही है, और इस मौके पर आज होली का ऑन लोकेशन शूट किया गया। हम आपको बता दें कि जल्दी होली के मौके पर होली का सिंगल एल्बम आने वाला है, और इस होली सॉन्ग के शूट के मौके पर रेमो डिसूजा, मोनी रॉय, सनी सिंह, वरुण शर्मा शूट करते आए नजर। सबसे पहले उन्होंने बहुत ही एनर्जेटिक अंदाज में यहाँ पर सॉन्ग शूट किया, और इसके बाद मीडिया से भी बातें की और अपना अपना शूटिंग का एक्सपीरियंस भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि कैसे ये ढेर सारे कलर्स लगाकर वो होली खेल रहे हैं। वरुण शर्मा ने बताया कि पहली बार आप उनको ऐसे रंग बिरंगी अंदाज में देखने वाले हैं। इसके बाद सभी ने अपनी अपनी होली की प्लानिंग भी बताई और बताया कि वो इस बार होली के मौके पर क्या क्या कर रहे हैं। रेमो डिसूजा ने कहा कि आजकल होली उस तरीके से नहीं मनाई जाती है जैसे पहले होली खेली जाती थी। मैं कह सकता हूँ कि मेरी होली हो गई है इसमें, क्योंकि यूजली क्या होता है कि आजकल होली उस तरीके की होली नहीं होती है जैसे पहले होती थी। तो दोस्त लोग घर पे आ जाते थे, घर के अंदर घुस के रंग लगा देते थे, वो सब चला गया है। तो एक्चुअली मैं अपनी होली यहीं बना रहा हूँ इसी गाने में, इन सबके साथ। अमेजिंग टैलेंट है और बहुत मज़ा आ रहा है, फुल ऑफ एनर्जी है, और गाना लिखा अच्छा है, गाया अच्छा है, ये लोग परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, और बस मेरे लिए काफी है। बॉलीवुड गॉसिप में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के खट्टे मिट्टे खबरों के साथ। अलविदा। अभी आप अपना लोकप्रिय चैनल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी लाइव देख पाओगे। इसके लिए अपने एंड्रॉइड फोन से संबंधित ऐप पर जाकर INBCN सर्च कर फॉलो करें, और अपने मन पसंदी साथी शहर में हो रहे सभी खबरों पर कहीं भी बैठे देखें।